टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को पाकिस्तानी टीम से भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर फैंस मायूस हैं। सोशल मीडिया पर भी गम व गुस्से का इजहार क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। रविवार की रात सोशल मीडिया पर कुछ आतिशबाजी के वीडियो वायरल किए गए। दावा किया गया कि भारतीय टीम की हार पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। हालांकि आई इंडिया इन दावों पर वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। मगर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने शायद वायरल हो रहे इन दावों पर यकीन कर लिया, तभी तो ट्वीट कर इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इन क्रिकेटर्स ने ट्वीट करके पाकिस्तान की जीत पर भारत में पटाखे फोड़ने को बेहद शर्मनाक बताया। गौतम गंभीर ने यह तक कह दिया कि ऐसा करने वाले लोग भारतीय नहीं है। गंभीर ने लिखा कि वे अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। उधर वीरेंद्र सहवाग अपनी ट्वीट में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे। अच्छा, वे क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे, तो दीपावली पर पटाखों में हर्ज क्या है? सवाल उठाया कि पाखंड क्यों, सारा ज्ञान तभी याद आता है। सहवाग ने इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मोहम्मद शमी पर सोशल मीडिया पर हमला चौंकाने वाला है। हम उनके साथ खड़े हैं, वो एक चैंपियन है और जो कोई भी भारत की टोपी पहनता है उसके दिलों में किसी भी भीड़ से कहीं अधिक भारत होता है। आगे सहवाग ने लिखा कि अगले मैच में दिखा दो जलवा। सहवाग के ट्वीट पर फैंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।